सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकाय चुनाव का दूसरे चरण का रण आज पूरा हो गया, मतदान हो गया है और 13 मई को परिणाम सामने आएंगे। और कुछ ऐसा ही चक्र राजनीति का कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। कर्नाटक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कर्नाटक के भी तमाम चैनलों ने तमाम तरह से एग्जिट पोल दिखाए हैं। खैर, यह कर्नाटक की बात ना करके उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो निकाय चुनाव यानी 24 से पहले का उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल, जीतेगा कौन ये बड़ी पहेली है। और 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि इस पहेली का जो क्रियान्वयन होगा, जो सुलझेगी, तो सेहरा किसके सिर पर बनेगा, भाजपा के सिर, सपा के सिर, या बहुजन समाज पार्टी के सिर, या फिर एक जलजले की तरह चर्चा में आने वाली आम आदमी पार्टी के नाम। बस जलजला इसलिए बोल दिया कि जलजले की तरह आए, कुछ नीतियां जारी भी रखी, कुछ नीति भटक भी गए। खैर, जलजला आता है तो नीतियां भटक भी जाती, पर चर्चा जरूरी है। चर्चा से जरूरी है क्योंकि यह बात निकाय चुनाव के दूसरे चरण की चल रही है। छिटपुट घटनाएं हुई, गोली भी चली और साथ ही साथ 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए फर्जी मतदाता, और चुनाव आयोग को शिकायत करने का दौर भी शुरू हो गया। कहा चुनाव आयोग की जो इंतजाम है वो खराब है, और खराबी इतनी कि कानपुर की बिल्लौर सीट से विधायक बीजेपी राहुल सोनकर और बच्चा की पत्नी का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब था। खैर, यहां विधायक की पत्नी का नाम की बात नहीं करूंगा। तमाम ऐसे प्रकरण पहले चरण में भी सामने आए और दूसरे चरण में भी सामने आए। जिम्मेदारी कौन लेगा वो तो बात की बात है, पर ये व्यवस्था हमेशा सामने आती रहती है। ये थोड़ा सा खेत के लिए बात है, खासतौर से लोकतंत्र के लिए, क्योंकि अगर नाम कट जाएंगे तो यहाँ पर वोट प्रतिशत पर भी अंतर पड़ेगा और पड़ा है, हमने देखा है। खैर, अगर पहले चरण की तुलना हम दूसरे चरण से करेंगे तो दूसरे चरण में मतदान की स्थिति तब भी ठीक रही है। दो चार जिले छोड़ दें तो बाकी जिलों में मतदान 55% से ऊपर गया है, 50% तक रहा है, यानी आधा मतदान भी हुआ है, तो ये कुछ हद तक आपके लिए संतोष की बात है। पर जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी की चुनौती है, तो चुनौती यहाँ पर बिल्कुल है। इसमें दो राय नहीं है कि कानपुर में बड़ी चुनौती है। कानपुर में जिस तरह से अमिताभ वाजपेयी विधायक समाजवादी पार्टी उनकी पत्नी को उतारा गया है, तो वहीं परमला पांडे को वहां पर कंटिन्यू प्रत्याशी बनाया गया है, और अंदर खींचतान इतनी कि सांसद सत्यदेव पचौरी की बहू को टिकट को लेकर कहा गया था, वो टिकट नहीं मिला, आंतरिक घमासान भी रहा और सत्यदेव पचौरी की तमाम बयान भी है भ्रष्टाचार को लेकर। और यही कुछ स्थिति अयोध्या में भी है। अयोध्या में प्रत्याशी बदला गया, उसके बाद जो टिकट के दावेदार हैं वो भी कई थे, उसको टिकट भी दिए गए, उसके बाद जो समीकरण है वो भी वहाँ पर कुछ मेहनत जरूर करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चुनाव है ये पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादा है और वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो माइनॉरिटी का वोट यहाँ पर किसको मिलने वाला है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि माइनॉरिटी को लेकर दाव सबने खेला है, कोई पीछे नहीं रहा। जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने, अगर हम केवल मेयर पद की बात करें, तो 11 प्रत्याशी मेयर पद के बैठाए थे। सपा की बात करें, सपा ने भी टिकट दिया और भाजपा ने तमाम कयासों को दरकरार करते हुए, तमाम तरह की बातें करते हुए और विपक्ष की बातों को झुठलाते हुए यहां पर 395 से ज्यादा लोगों को टिकट देकर स्पष्ट कर दिया था कि यहां पर हम बात कर रहे हैं तो हम यहां बात सबकी करेंगे, हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसी नीति पर चलते हुए यहां पर मुस्लिम वर्ग को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। लड़ाई अहम है, मेरठ मंडल, कानपुर मंडल, अलीगढ़ मंडल, बरेली मंडल, ये वो मंडल हैं यहाँ पर चुनौती मिलेगी। और जिस तरह से यहाँ पर पिछली बार मेरठ अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने मेयर पद जीत कर स्पष्ट कर दिया था कि जो नगर निगम है यहाँ पर पार्टी का कोई विशेष रोल नहीं होता है, छवि अच्छी होनी चाहिए, समीकरण अच्छे हो रही है तो आप यहाँ पर जीत सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शाहजहाँ पर नगर पालिका थी, इस बार नगर निगम बना दी गई और वहाँ पर अर्चना वर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया, पहले सपा से थी और फिर अचानक क्या मन परिवर्तन हुआ
कैसी नीति पसंद आ गई वो समझ से परे, खैर वो तो शायद बीजेपी जानती होगी या समाजवादी पार्टी जानती होगी या फिर अर्चना वर्मा जानती होगी या हम जैसे खबरनवीस भी जानते हैं कि क्या नीति है क्या है। खैर चर्चा विषय महत्वपूर्ण हमारे मेहमान जो कि रूबरू कराऊंगा, नेता भाजपा से रामनिवास यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से जयप्रकाश पांडे भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से अभिमन्यु त्यागी अपनी बात रखेंगे और सुनील त्रिपाठी भाई वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा नेता भाजपा रामनिवास भाई से, रामनिवास भाई कैसे देखते चुनाव? चुनौती बड़ी है, नकार नहीं सकते इस चुनौती को, पर चूंकि यह मेहनत हुई है, रैलियां हुई हैं, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अग्रिम पंक्ति में आगे आते हुए तमाम जगहों पर जनसभा करते नजर आए, दोनों डिप्टी सीएम भी लगे रहे, तमाम बड़े नाम भी लगे रहे, मंत्री भी लगे रहे और चुनाव को, निकाय चुनाव को भी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ते हुए यहां लड़ते नजर आए, कैसे देखते हैं? निकाय चुनाव में जैसी व्यवस्था रही और चुनाव आयोग पर भी लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, क्या राय है? गौरव जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोई भी चुनाव हो छोटा बड़ा हो मनोयोग से लगता है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये उद्देश्य रहता है कि हमको लगातार जनता के बीच में रहना है, जनता के हितों का काम करना है। यही कारण है कि हमारे लिए कोई चुनाव हो छोटा बड़ा जो भी चुनाव होता है हमारा एक एक कार्यकर्ता लगता है और लगा है। यही कारण है कि लगातार हम नगर निगमों में शतक बनाते हुए चले जा रहे हैं। लगातार काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहरा रहा है। पिछली बार 16 में 14 पे हम जीते थे जी, इस बार हमारा जो लक्ष्य है कि 17 नगर निगम में 17 की 17 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में बना है और उत्तर प्रदेश जनता जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से विश्वास जता रही है, हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, तो हमको 17 के 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहरेगा। ठीक है जयप्रकाश भाई, भाई यहाँ लड़ाई तो बताई जा रही भाजपा सभा के बीच में, कोई संशय नहीं है और सबके मुंह पे यही बात है कि भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी। आपके लिए भी ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का तमाम बातें की गई और आते आते केवल 100-111 पे ही पहुंच पाए। खैर मेहनत की गई, पर यहाँ पर मेहनत की अगर बात करें जयप्रकाश भाई, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस दौरान मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी गए। अगर यहाँ प्रचार की बात करें तो प्रचार में अंतिम चरण में यहाँ पर आए, दूसरे चरण में उन्होंने प्रचार ज्यादा किया, क्या पहले चरण में उनको पता था कि पहले चरण में हम जीत रहे हैं या उनको ये पता चल गया है कि हम इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं या उनको लगता है कि नहीं निकाय चुनाव ठीक है, स्थानीय निकाय चुनाव है 24 की लड़ाई है हमें, क्या राय है आपकी? चरण पूरा हो चुका है, 13 को मतगणना होगी और तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए जहां तक आपका ये सवाल है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर्नाटक या दूसरे उसमें इन्वॉल्व रहे, उतना उपस्थिति उनकी नहीं देखी गई जी, बिल्कुल। तो वास्तविकता ये है कि भाजपा के जो शीर्ष लीडर हैं और इनके कार्यकर्ता हैं उनमें जो संवादहीनता है, और मैं दावा से कह सकता हूँ कि योगी जी और उनके जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी आए थे, जैसे महेंद्र पांडे जी, तमाम बड़े लोग आके किए थे, तो एक पॉलिटिकल टूरिज्म है। चूंकि ये योगी जी अपने विधायकों को ही नहीं जानते, जिला अध्यक्ष का नाम नहीं लेते, और जहां तक हमारा सवाल है, हम क्षेत्रीय दल हैं, स्वाभाविक उत्तर प्रदेश ही हमारी कर्मभूमि है, यही अजम की जमीन है जी। तो हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक पार्षद का नाम लेके बुलाता है, और नाम लेने के पहले ही वो समाजवादी कार्यकर्ता निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व से संवाद कायम करते हैं, उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं आता बाबा जी वाला, जैसा मतलब आदरणीय योगी जी का है। तो इसलिए ये मतलब नहीं है, और हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश पे हर कार्यकर्ता लघु अखिलेश की तरह काम करता है। हमें नेता जी के संघर्षों की विरासत मिली है। अब जहां तक ये सवाल है कि ये जीतेंगे या क्या होगा, ये तो जनता पर निर्भर करेगा। शहर की जनता थोड़ी जागरूक होती है। हाँ, एक चीज मैं भ्रम दूर कर दूं कि उत्तर प्रदेश एक भारत का ऐसा सूबा है जिसमें नगरीय आबादी कस्बों में जी सबसे ज्यादा, क्वांटिटी भी कस्बों की ज्यादा है, और वहां रहने वाले नगर पंचायत नगर पालिका की संख्या भी सबसे ज्यादा पूरे भारत बिल्कुल में। ये मेगा सिटी वाला सूबा नहीं है जी, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद,
बंगलुरु नहीं है यहाँ मेट्रो वाला, दो जो है एनसीआर में नोएडा गाजियाबाद, वो उसमें हमारा कोई पौरुष नहीं है, वो तो एनसीआर जोन के कारण है। तो जाहिर बात है कि शहरों की संख्या भी कम है, तो अगर वहां आप देखेंगे तो स्वाभाविक है, अगर ये किसी की मानसिकता हो कि नहीं लखनऊ में रहने वाला, अभी जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे तो इन्होंने कहा 17 हम जीतेंगे, बिल्कुल वही बात बोल रहा हूं मैं, बता रहा हूं ठीक है जीत जाइए। अरे सरकार 17 ही नहीं, नगर की जो परिभाषा योजना आयोग देता है या इंटरनेशनली मान्य है, उसमें कोई भी कस्बा जिसका 2/3 हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल वर्क कर रहा है और उसे अगर स्थानीय निकाय की मान्यता भी है, चाहे म्युनिसिपैलिटी की चाहे कैंटोनमेंट की हो, तो वो कहलाता है। तो आप पूरे पे दावा करिए, लेकिन इनकी सोच समझिए, ये शुरू से ही जो कस्बे हैं, देहात है, गांव गरीब से इनका कुछ लेना देना नहीं रहा, महानगर की ये हिंदू महासभा जनसंघ से करते रहे राजनीति, तो इनका मूल ध्यान वही है। अच्छा। लेकिन टोटल अगर देखेंगे तो हमारी स्थिति बहुत बेहतर होगी। और एक अंतिम बात मैं बता दूं कि शहर की जागरूक जनता इनके अंतर विरोध को, पाखंड को अच्छी तरह जानती है। अच्छा। जैसे जिन चीजों को ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, चूंकि अगर आप योगी जी का भाषण सुनिए तो वो हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। अच्छा। इसलिए है कि कोई स्पीच उठा के देख लीजिए, आधा आधा समय आदरणीय अखिलेश जी का गुणगान करेंगे, फिर समाजवादियों का करेंगे, तो उल्टे ढंग से तो ये लोग खुद ही प्रचार कर रहे हैं। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप तो सड़कें गड्ढा मुक्त बना दिए हैं, फ्लाईओवर कुछ बनाए हैं, कुछ कलकत्ता का कट पेस्ट कर लिए हैं, तो आप अपनी सड़कों पर क्यों नहीं सैर करते हैं हुजूर, क्यों आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं? हेलीकॉप्टर से जाने का विरोध, चूंकि अगर वो सड़कों, सुनिए सुनिए मैं बताऊं, स्थानीय निकाय मुख्यमंत्री अगर स्थानीय निकाय का चुनाव करने जा रहे हैं तो आप चलिए ना सड़क पे, जाम जाम की समस्या से दो चार होइए। आप अगर एक उड़न खटोलवा लैंड करता है तो उसकी कास्ट जो आती है भाई, अभी परसों नरसों नवभारत टाइम्स में आई थी रिपोर्ट राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की, 425 वाल्मीकि समुदाय के लोग मेनहोल में सीढ़ी के सहारे कमर पे बल्टी बांध के रस्सी लेके उतरते हैं और 425 लोग मर गए 2017 से 22 5 साल में। और जानते हैं 15 लाख सिर्फ आती है मशीन लीजिए, एक बार जब लैंड करते हैं योगी जी तो वो 15 नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं बिल्कुल जाइए, अगर विधानसभा हो आपके डिप्टी सीएम भी चलेंगे, आपका पूरा मतलब सातवां बेड़ा उतरेगा। अच्छा। तो अरे सरकार, आप कम से कम वाल्मीकि समुदाय का जो पाखंड करते हैं, पैर पखारते हैं, उनकी 15 लाख में जान बचा लीजिए, ये तो काम कर सकते हैं ना, जो नोएडा सहित सारी अथॉरिटियां अप्रूव की हैं। तो विरोध हमारा ये है। दूसरा ये चीज बता दूं कि ये सरकार अब इनके उपलब्धियां क्या क्या गिनाए, जब केवल 72 प्लाट वाले मंत्री नहीं है, अयोध्या आज चुनाव है, अयोध्या के लोग क्या भूल जाएंगे, अयोध्या की जमीन को लूटने कोई गजनी आया था, अयोध्या विकास प्राधिकरण की जो लिस्ट है 40 अवैध कॉलोनाइजरों की, उसमें मेयर ऋषिकेश, गोरखनाथ विधायक, वेद प्रकाश गुप्ता, इन लोगों ने 2 करोड़ 99 की जगह लेके उसे 18 करोड़ में बेच दिया। तो अयोध्या की जमीन लूटे, सीएजी की रिपोर्ट पढ़िए, कुंभ मेला आयोजित किए, 32 ट्रैक्टर खरीदे, ट्रैक्टर पे स्कूटी का नंबर है सीएजी की रिपोर्ट में, मैं नहीं कह रहा हूं, 32 ट्रैक्टर खरीदे, ट्रैक्टर का नंबर स्कूटी के नंबर से 35 लाख का कूड़ा बेच दिए। ये तो चारा घोटाला है, आज नहीं कल सीए, जब आपका तख्त बदलेगा तो जाएंगे आप, जहां मतलब सलाखों के पीछे जहां जाना हो जाएंगे। अच्छा। जो रामराज में सबसे बड़ी उपलब्धि है, मतलब ये गाय माता भी कहते हैं, सबसे ज्यादा स्लाटर हाउस यहाँ चलाते हैं, बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 3 पे है, अमित शाह जी मेघालय जाके अर्नेस्ट मॉरिस के साथ मंच साझा करते हैं, जो गर्व से कहते हैं कि मैं गाय मांस खाता हूं और मैं पूरे मेघालय को खिलाऊंगा। तो इनका जो पाखंड है, शहर की जागरूक जनता जानती है कि गाय माता जरूर है लेकिन बी फिक्स तो आप क्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ दारू। और सुनिए, इनके बजट में जो आया रामराज में, शहर की जनता जो परेशान है आदि हमारी, 12,000 करोड़ मिला था इनको रेवेन्यू 2017 में, इस समय 45,000 करोड़ है, 4 गुना, मतलब एक ही उपलब्धि योगी बाबा की है। अच्छा। अर्थव्यवस्था तो रसातल में गई। अच्छा। उत्तर प्रदेश की आवाम को 4 गुना दारू बेच लिए। अच्छा। स्लाटर हाउस संख्या बढ़ गई, तो ये सब जनता देखेगी। आधी आबादी की स्थिति है कि हमारी बहने जंतर मंतर पे बैठी है, एक बलात्कारी को बचाने के लिए पूरी पार्टी खड़ी है। रामनवमी बोल रहे हैं, 17 सीट जीत रहे हैं,
अरे आप भी बता दीजिए, आप भी थोड़ा बोलिए। मैं बता तो रहा हूँ कि ये जो बातें मैं बताया, आप नहीं जीत रहे, सुनिए ये आवाम। अच्छा पहली बात आपको ये बता दूं कि ये आज से नहीं, जब बहन जी की सरकार थी तब भी ये महापौर बना लेते थे। अच्छा। फिर चुनाव हुआ, हम विधानसभा में आ गए, लोकसभा में भी मनमोहन सिंह की सरकार बन गई, 10 साल कार्यकाल पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश के महानगर पालिका के अगर आप महापौर बना भी लेते हैं और आपको ये लगता है कि ये ट्रायल है या पूर्वाभ्यास है, तो ये है नहीं। लेकिन दिल्ली के बाद जिस तरह दिल्ली में इनके वर्षों का वर्चस्व खत्म हुआ, शिमला नगर निगम का चुनाव हुआ, उससे ये लग रहा है कि चूंकि शहर के जागरूक लोग डेमोक्रेसी का मतलब भी समझते हैं। अरे अब वो तो देखिए, हम ज्योतिषी नहीं है ना प्रधानमंत्री है झूठ बोलने। अच्छा तो भैया हम तो ये कहेंगे कि जनता हमारे साथ है, हम बढ़िया प्रदर्शन करें। ठीक है ठीक है, बहुत देर से आप देखिए यहाँ चर्चा नगर निगम को चुनाव को लेकर हो रही है। हमने पूरे चुनाव के दौरान देखा कि स्थानीय मुद्दे जो हैं वो नदारद रहे और चुनाव को हमेशा दो पार्टियों के बीच मोड़ने की ताकत दी गई और आम आदमी पार्टी ने प्रमुखता के साथ जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा है स्थानीय मुद्दों को उठाया है। हमने हाउस टैक्स को हाफ करने की बात कही, हमने वाटर टैक्स को माफ करने की बात करी, हमने डेंगू की बात की, चिकनगुनिया की बात करी, हमने शहरों में जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है और शहरों में गलियों में लोगों को जो बदबू उसकी सूंघनी पड़ रही उसका मुद्दा बहुत गंभीरतापूर्वक उठाया। हमने साफ पानी की व्यवस्था की बात करी कि सबको साफ पानी पीना चाहिए और जो अस्पताल नगर निगम के अंदर जो स्कूल है उनको भी ठीक करने की बात को हमने बहुत प्रमुखता से उठाया और जनता को दिखाया कि जहां बीजेपी कई सालों से लगातार सरकार में सत्ता में है, मेयर में है, 28 साल से लखनऊ में मेयर है और बहुत सारे सभासद 65% बीजेपी के हैं, यहाँ से मंत्री बीजेपी के बहुत सारे हैं, MLA भी यहाँ से 7 बीजेपी के हैं, हर जगह चीफ मिनिस्टर बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के, उसके बाद भी जो है व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही है। अच्छा। तो जनता पूछना चाहती है कितनी कितनी सत्ता की हवस है कि इतना सत्ता में होने के बाद भी सड़कें जो गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही हैं, शहर जो है डेंगू मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही, चेन स्नैचिंग हो रही है, उनसे बैग नीचे जा रहा है, शहरों के अंदर लखनऊ के अंदर वारदातें हो रही हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे, CCTV कैमरे कहीं सही से चल नहीं रहे हैं, बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है, स्मार्ट मीटर तेज चल रहे हैं, तो इससे इतनी समस्याएं क्यों हो रही हैं जब इतनी सरकार इतनी सत्ता मिल चुकी है, कितनी सत्ता की भूख है बीजेपी के अंदर कि वो कुछ नहीं कर पा रही है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रही है तो और जनता जो है और पार्टियों को मौका देगी और आम आदमी पार्टी इस बार परिणाम से मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सबको चौंकाएगी और जनता बहुत खामोशी के साथ जो है बीजेपी के विरोध में जो है वोटिंग दे रही है और नए विकल्प की तरफ उत्तर प्रदेश में तेजी बढ़ रही है। देखिए जब बसपा को दे रही है, जब सत्ता पक्ष विपक्ष अच्छा जनता की बात को मुखरता से नहीं उठाएंगे। अच्छा। अभी इन्होंने बताया कि वहां बॉर्डर पे बेटियां बैठी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को लेके हम सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी वहां क्यों नहीं गए। अरे अखिलेश यादव जी ने कहा प्रियंका गांधी गई वहां पे, अरविंद केजरीवाल वहां गए, सारे नेता गए, आपके नेता क्यों नहीं गए, क्यों नहीं आपने प्रवक्ता साहब, क्यों नहीं आपने विरोध प्रदर्शन किया लखनऊ के अंदर, कितने विरोध प्रदर्शन किए यूपी के अंदर आपने उस मुद्दे को लेके, आप मुख्य विपक्षी पार्टी है, आपको कोटा में प्रदर्शन करना चाहिए था, आपको घर के सामने प्रदर्शन करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो ये जनता देख रही है क्या खामोश है, जनता देख रही सत्ता पक्ष विपक्ष जो है इन मुद्दों पे खामोश है और हमारे देश की आधी आबादी परेशान हो रही है, वो देख रही है सब। सही मत तकी भाई, आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए पर आप सपा के अस्तित्व को बट बोल रहे हैं सपा के अस्तित्व को नहीं ललकार रहा हूँ, आप समझिए 111 आपका अस्तित्व है, आप सड़क पे आइए। अच्छा। आप लोगों को विरोध करिए। अच्छा। जनता की आवाज उठाए, जनता को बहुत उपेक्षा है आपसे। अच्छा अगर आप विपक्ष में हैं तो आप नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा, आम आदमी पार्टी बोल रही है, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। अच्छा सीतारमन जी कह रही है विपक्ष जो है वो महंगाई पे बोलने का अपना अधिकार खो चुका है, कैसे विपक्ष खो चुका अधिकार, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, महंगाई पे सबसे ज्यादा हमने आवाज उठाई, सिलेंडर कितने महंगा हो गया, चले चले ठीक है ठीक है। भैया मैं दो बार पूछ रहा भाई, आप 15 साल बाद दिल्ली में आपका वर्चस्व कायम हो गया, बीजेपी को हरा दिए, बड़े आपके लिए गर्व की बात है और निश्चित रूप से आपने इसका पूरा तरफ से उत्साह भी मनाया, लखनऊ में मनाया, पर दिल्ली नगर निगम की जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर केजरीवाल सरकार है, कूड़े के पहाड़ अब भी वहाँ पर हैं, इसके सुन लीजिए NGT कई बार आपको नोटिस दे चुकी है यमुना की सफाई को लेकर, ये तीसरी बार आप सरकार वहां बनाए बैठे हैं और अब आपके मुख्यमंत्री आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हम 2025 तक यमुना साफ कर देंगे, तो जो आप व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लेके आने वाले हैं उसके लिए एक उदाहरण
आप कम से कम दिल्ली में पेश कर देते तो शायद बेहतर संदेश जाता कि हम दिल्ली में कूड़ा हटा दिया, हमने दिल्ली में यमुना साफ कर दी, तो हम आपको उत्तर प्रदेश में साफ पानी देंगे और कूड़े का निस्तारण कराएंगे। एक उदाहरण मिल सकता था, पर फिलहाल ये उदाहरण अभी तक नहीं मिल पाया है। तीसरी बार सरकार आपकी है, जवाब दे दीजिए। जी, मैं आपके सवाल का सम्मान करता हूँ, हाँ, और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सवाल पूछा जी, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सवाल पूछनी चाहिए लोकतंत्र में। और ये आम आदमी पार्टी का वर्चस्व नहीं है, ये जनता का वर्चस्व है। हमने हर जगह जहाँ जीता है, हाँ, जनता के वर्चस्व को काम कायम किया है, लोकतंत्र को जनता के हाथों में सौंपा है। अच्छा, रही बात यमुना को साफ करने की, आम आदमी पार्टी यमुना को साफ करने के लिए, कूड़े को साफ करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अच्छा। अभी हमें एमसीडी में आए साल हो गए, अभी आए हुए एक महीना हुआ है, दो महीने पहले हमारी सरकार वहाँ आई है और दोबारा फिर से जो है शैली उब्राय सेट हुई है। अब काम वहाँ बहुत तेजी से होगा, हम कूड़े के पहाड़ों को जल्द जल्द साफ करेंगे, उनका सही से इस्तेमाल करेंगे, उसको स्वच्छ करेंगे। और दिल्ली की जनता को आप देखिए, प्रदूषण लगातार हमने वहाँ पे कम किया है, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले कई सालों में। उत्तर प्रदेश के आसपास से जो धुआं भी आ रहा है, उसके बाद भी दिल्ली में प्रदूषण सबसे कम रहा। अच्छा। और बात यमुना की रही, तो यमुना जो है वो नदी उत्तर, वो उत्तर प्रदेश भी बॉर्डर पे है, वहाँ हरियाणा भी है। ऊपर से आ रही है, देखिए आप पूरी पूरी बात सुन सुना दीजिए। दिल्ली से होके गुजरती है, हाँ, उत्तर प्रदेश बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर है, हाँ, और वहां पे जिम्मेदारी अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की है तो हरियाणा की मुख्यमंत्री की भी है, हाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की भी है और केंद्र सरकार भी। अरे भाई ऊपर से आ रही है, होके आ रही है वो, फिर दिल्ली आ रही है, उत्तरांचल से गंगोत्री आती है, वहां से आ रही है वो, दिल्ली पहले आ रही है, हरियाणा की बात, हरियाणा, हरियाणा पहले आ रही है, उसके दिल्ली आ रही है, फिर उत्तर प्रदेश में आ रही है। उत्तरांचल को दोषी ठहरा दीजिए, गंगोत्री से निकल, देखिए बताइए, ये एक हम साफ करने के लिए पूरे प्रतिबद्ध है, लेकिन जो है कि आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो हरियाणा की बात की, आप उदाहरण नहीं दे पाए, उदाहरण नहीं दे पाए। मेरा कहना है कि उदाहरण अगर बेहतर दे देते तो शायद उत्तर प्रदेश जनता आपको यहाँ पर कुछ, देखिए हमने वहाँ बहुत उदाहरण दिए हैं, उदाहरणों की है, तो आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो और पार्टियों के लिए पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल बन के पेश हुआ है। क्या मिसाल? लोग आज दिल्ली की मिसाल देते हैं, दिल्ली के स्कूलों की, दिल्ली के अस्पतालों की, दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन की, दिल्ली में जो हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आई है उसके पे जो हमने सब्सिडी दी थी, उत्तर प्रदेश में बहुत सब्सिडी आई, जो सबसे खड़ा कर दिया भाई, ठीक है। हम तो देखिए, हम जनता के आवाज हम उठाते हैं, जनता के दिल की बात हम कहते हैं, जनता आपने सपा को कटघरे में खड़ा कर दिया भाई, कटघरे हमने किसी को खड़ा किया, हमने सारा पूछा, आपने कह दिया कि अखिलेश यादव रोड पर नहीं आते हैं भाई, आप नहीं आते तो कहा जाएगा नहीं आते, आप बताइए कि पिछले आपने जनता के जनता को झुटला दिया है, 110 विधायक लेके बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि इनकी पार्टी कुछ काम नहीं करती, ये विपक्ष की मुख्य आवाज है। अच्छा। हमें भी इनसे उम्मीद है। अच्छा। हम आम आदमी पार्टी में, विपक्ष में नहीं है। अच्छा। हमें जनता ने मौका, इनको चुना है। अच्छा। तो हमें भी विपक्ष है इनसे। अच्छा। और विपक्ष होते हुए जनता को भी इनसे बहुत उम्मीद है, ठीक है, ये जनता की उम्मीदों में खड़ा उतरना पड़ेगा। मुख्य विपक्ष पार्टी है भाई। कर्नाटक में जो स्थिति हो रही है शायद आपके लिए कुछ सुकून की बात है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी आपकी आ रही है, मुझे नजर आ रही है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात अभिमन्यु भाई, उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से जो छिपा हुआ बाकोबर दिया गया, कहने का ये भी चिंता का विषय है। मामला आप भी जानते हैं और बजाय आप भी जानते हैं। खैर, कर्नाटक चुनाव महत्वपूर्ण है, पर उत्तर प्रदेश चुनाव भी महत्वपूर्ण था, थोड़ी सी मेहनत यहाँ भी होनी चाहिए थी। अगर शीर्ष नेतृत्व के कुछ नेता यहाँ पर आते तो शायद परिणाम आपके लिए और बेहतर होते। दूसरा चरण का मतदान हो चुका है अभिमन्यु भाई, बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है कि 17 नगर निगम हम जीत रहे हैं, 17 मेयर सीट जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी का अपना कहना है, सपा का अपना कहना है, कांग्रेस ही क्या राय है, कहां पाते हैं अपने आप को? गौरव जी, आपको और पैनल में जो सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए गौरव जी, हम ना तो भविष्यवक्ता हैं जी, ना ही तंत्र क्रिया की ऐसी कोई हमारे पास सिद्धि और ताकत है कि हम भविष्य जान सके। अच्छा, ये सब चीजें तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई हैं, प्रवक्ता जी हैं, जी, इनको मुबारक हो। अच्छा, ठीक। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ती तो बहुत बेहतर होता। स्मार्ट सिटी में इन्होंने वादा किया जी कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के 17 के 17 नगर निगमों में पार्किंग की जो दिक्कत है, जो किल्लत है, वो सब लोग जानते हैं। इसके अलावा नगर पालिका, नगर पंचायतों में पार्किंग की किल्लत है, कूड़े का ढेर चारों ओर दिख रहा है, अब तो पहाड़ बनने लगा है कूड़े के ढेर से उठता हुआ धुआं, ये सब चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा। इसके अलावा मच्छरों का प्रकोप सब लोग जान रहे हैं, किस तरह से मच्छरों का प्रकोप हो रहा है, अस्पतालों में जगह तक नहीं मिल पाती है, सरकारी अस्पतालों की हालत क्या हो रही है, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पाई इनकी सरकार में। अच्छा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में आई, मुद्दे आधारित लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है। अच्छा।
भारतीय जनता पार्टी आज तक ये नहीं बता पाई कि स्मार्ट सिटी में आखिरकार इन्होंने क्या काम किया। पूरे देश भर में बहुत शर्मनाक जो रैंक मिला वो 30वां नंबर मिला, वो भी झांसी को, उत्तर प्रदेश में जी। और ये बहुत शर्मनाक बात हुई। इसके अलावा हम देखें जो जो भाजपा ने वादे किए, जैसे बिजली सस्ती करने का वादा किया, अब जो चर्चा आपके आपके चैनल के माध्यम से भी पता लगा कि मई में बिजली के दाम बढ़ने की योजना बनाई जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं आम जन के जेब पर बोझ पड़ेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में, अभी जनता को तय करना है। जनता ने तय कर दिया है कि वो असल मुद्दों के साथ है, भावनात्मक मुद्दे हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के साथ। अच्छा, अब मेरा भरोसा है जी कि कांग्रेस पार्टी पर जनता ने विश्वास जरूर किया है। अच्छा, भरोसा है कि अनुमान है? देखिए गौरव जी, भरोसा इसलिए है क्योंकि आप देखें कि लखनऊ में तो अभी रामनिवास यादव के भरोसे को प्रतिक्रिया बता रहे थे, अभी रामनिवास यादव के भरोसे रह गया। गौरव भाई जी, गौरव जी बोलिए। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। बोलिए। लखनऊ में वोट परसेंट 38 रह गया जी। आज दूसरे चरण में मेरठ में वोट परसेंट लगभग 40 से 45 परसेंट हो गया, लेकिन अगर हम नगर पालिका नगर पंचायत में देखें तो वोट परसेंट लगभग 60-65 परसेंट पहुंच रहा है। बिल्कुल जी। अगर नगर निगमों में, वो भी लखनऊ राजधानी में, 38 परसेंट अर्बन जो वोटर है वो वोट डालने जा रहा है, यानी उनको सरकार की कार्यशैली पर भरोसा नहीं रहा है, वो घर से बाहर ही नहीं निकले क्योंकि सरकार द्वारा लगातार झूठे वादे, जुमलेबाजी, ये सब आम बात हो गई है। 15 लाख का वादा किया, बाद में जुमला बता दिया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, बाद में जुमला बता दिया। अच्छा। सिर्फ खाते से पैसे लाने की बात की, वो जुमला बता दिया। 35 रुपए पेट्रोल देने का वादा था, बाद में उसे जुमला बता दिया। उत्तर प्रदेश में रोजगार देने की बात थी, उसको बाद में जुमला हो गया। इन्होंने 6 करोड़ जो नौजवान है उत्तर प्रदेश, उनके साथ धोखा किया है। हर बार जब भी वैकेंसी निकलती है उसके पर्चे लीक हो जाते हैं, बाद में वो हाईकोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला फंस जाता है। तो असल मुद्दा महंगाई का है, महंगाई पर सरकार के पास कहीं कोई काम नहीं हो पाया। असल मुद्दा बेरोजगारी का है, बेरोजगारी पर सरकार कहीं कुछ अपना रिजल्ट नहीं दे पाई है। इसीलिए ये अपने बड़े नेताओं को लेकर आए हैं। ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, सड़क पर, पार्क के सौंदर्यकरण पर, गड्ढा मुक्त सड़कों पर, लेकिन ये उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ पाए, अपने रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव नहीं लड़ पाए। अब ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? जहां भी योगी जी जाते हैं वो ऐसी आक्रामक भाषा बोलते हैं एक संप्रदाय के खिलाफ, क्योंकि पूर्ण तौर पर इन लोगों को संप्रदाय के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, सब लोग जनता जान रही है। जनता इस बार निश्चित तौर पर इनको सबक सिखाने जा रही है। अच्छा, अभिमन्यु भाई, अभी आपने बात कही बहुत अच्छी बात, मुझे लगी भविष्य वक्ता आप नहीं है, आप तंत्र क्रिया नहीं करते हैं। अगर रामनिवास भाई ने 17 नगर निगम जीतने का भरोसा जताया था तो भाई भरोसा आप भी जता रहे थे, तो फिर क्या माने? वो बात माने या इबार बार माने? हमने 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 गौरव जी ये दावा नहीं किया कि हम सारे के सारे नगर निगम जीत जाएंगे। अच्छा। हमने कहा हमारा भरोसा ये है कि अच्छा। जनता हम पर भरोसा करेगी। अच्छा। क्योंकि हम असल मुद्दों के साथ हैं, हम जनता को गुमराह नहीं करते हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी इस बात पे अपनी पीठ थपथपाती है कि वो देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देती है। क्या ये बात पीठ थपथपाने की है? अच्छा। क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो 40 करोड़ लोग हैं, अच्छा, उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है कि उनको कैसे गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम सरकार अच्छा। करेगी? इनके पास ऐसी कौन सी नीति है जिनसे उन लोगों को 9 साल में गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम नहीं कर पाई? मेरा मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे, क्या अंदरूनी बाकओवर है तमाम जगहों पर बीजेपी के लिए अन्य पार्टी? नहीं नहीं गौरव जी, दरअसल स्थानीय चुनाव है, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, और उसी स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला स्तरीय नेता, प्रदेश स्तरीय नेता और राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं को चुनाव में लगाया हुआ था, और हम मुद्दे आधार है अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर सफलता मिलने जा रही है। ठीक है, ठीक है सुनील भाई, अब सबका मूल्यांकन और सबका आकलन आप ही कर दीजिए। सबकी अपनी बातें, सबके अपने दावे हैं, कोई पार्टी नहीं बोलेगी कि हम यहाँ पर हार रहे हैं, सबका अपना भरोसा है। अब वो तंत्र क्रिया का भरोसा हो या भविष्य वक्ताई का भरोसा हो, पर भरोसा यहां पर है। आपकी क्या राय है? अपनी से संन्यास ले लेगा हर व्यक्ति को लगता है कि चुनाव में हम जीतेंगे जी। और हर व्यक्ति जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां भी अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं तो यही सोच उतारती हैं कि निश्चित रूप से इनकी जीत होगी जी। लेकिन जो ये चुनाव नगर निगम को हो रहा है जी, और एक प्रकार से शहरी सरकार का बन हो रहा है गौरव जी जी, तो मैं बहुत छोटा पत्रकार हूँ,
13 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा जी। भाजपा 14 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। लीजिए आराग रामनिवास जी कह रहे हैं जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता है और जिला उनकी बात खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 14 से नीचे भी नहीं आना चाहिए और 14 से ऊपर क्रॉस हो जाए पूरा बीजेपी डिबेट में। नहीं नहीं मेरा अनुमान है। अच्छा अनुमान है। देखिए मैं हर आदमी अपना एक अनुमान लगाता है, जैसे अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, तकी भाई कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, हमारे जेपी पांडे भाई कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, पत्रकार के ऐसे ही मेरा साक्ष होता है, आप राजनीतिक दल के नहीं है। ज्ञान बढ़ाइए हम लोगों का कि 14 किस आधार पे आप दे दिए। लीजिए अब याद दीजिए ऐसा है पांडे जी, जी मैं राजनीतिक तो नहीं हूँ, लेकिन 13 तारीख को जी अरे ज्योतिषी मत बनिए, हम सही कह रहे हैं तो कुछ सर्वे डेटा हमें बताइए, हम लोग ज्ञान बढ़े हम लोग स्वागत करेंगे, बता दीजिए। नहीं नहीं अब हमारे पास कोई इतना ज्ञान नहीं, इतना बड़ा मैं जल्दी नहीं हूँ, लेकिन बैठे हैं वो 17 हो जीतेंगे, आप क्यों संख्या बता रहे हैं, लीजिए परेशान मत रहिए। सुनिए पांडे जी, मैंने इसी चैनल पे कहा था एमएलसी के चुनाव में जी, कि 4-5 सीटों से भाजपा नहीं ऊपर होना चाहिए, और मेरे अनुमान का सही निकला, और चुनाव जो रिजल्ट आया मेरी डिबेट देख लीजिए और रिजल्ट देख लीजिए। अच्छा। मैं बहुत छोटा पत्रकार हूं, लेकिन मेरा अनुमान जो है मैं एक मिनट वही कह रहा है। सुनिए पत्रकारों के बारे में गणेश शंकर विद्यार्थी जी कहते थे पत्रकार सत्ता का स्थायी प्रतिपक्ष होता, लीजिए और पत्रकारिता इसके लिए सूचना प्रसारण विभाग है जी, तो आप जी, जनता के हक में अगर कुछ चाहते हैं विश्लेषण करना बोलना तो प्रतिपक्ष के साथ खड़े होइए, इस तरह की घोषणाएं रामनिवास भाई करें हम सुनेंगे, भाई ये सत्ता में है हम सुन लेंगे, हम भी कुछ कहेंगे। आप कम से कम वो गणेश शंकर विद्यार्थी की लाइन पकड़िए, सपा के लिए कर दीजिए भाई, खुश हो जाएंगे, नाराज हो गए भाई, हम सपा के लिए कर दीजिए, खुश हो जाएंगे। आप लोग पुरानी हल्ला बोलने की आदत है, दरवाजा चुप करा देते हैं। नहीं नहीं अरे चुप न करा, सपा के लिए बोल दीजिए भाई, तीन जीत रही है खुश हो जाएंगे वो। मैं आपकी भी बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हमको हल्ला बोल के डरवाइए नहीं पांडे जी। अच्छा नहीं नहीं, आप ये बड़े पुरानी आदत है आपको, हम तो आपको हनुमान की तरह याद दिला रहे हैं कि मीडिया वाले भला जो सत्ता के बरक्स ललकारने वाली हमारी विरासत रही है। क्या बात है, गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर पूरे इंडियन एक्सप्रेस तक हमेशा कह रहा हूं, इस तरह डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। की भाजपा दिल की बात बोल दीजिए, डरिए मत, दिल की बात। प्रतिद्वंदी पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी है, मैं ये कह रहा हूँ की आप हाँसीए पे है। अच्छा सुनील भाई सुनिए, थोड़े सपा आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे ही बता दीजिए इनकी क्या स्थिति जी, मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ राय दे दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी तो हमारे भाई कह ही रहे हैं कि कूड़े ढेर दिखाई पड़ रहे हैं इनको जी, सारी गंदगी फैली है, पानी नहीं है, चलिए समस्याएं हैं जी। ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार आने से सब समस्याएं खत्म हो गई जी, और बढ़ती हुई जनसंख्या और घटता हुआ पानी, गौरव जी जी ये मेरे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या। सुनिए दुरुस्त कर लीजिए, भारत के कृषि और औद्योगिक नगर सर्विस सेक्शन की कुल डिमांड 800 अरब क्यूबिक घन मीटर पानी की होती है, और अकेले इंद्र देवता 5 गुणा कर लीजिए 4000 अरब क्यूबिक घन मीटर पानी बरसता है। भारत अगर एरिड जोन में है तो सरकार के जल प्रबंधन की विफलता से, सर्च कर लीजिएगा, ये राष्ट्र की समस्या नहीं है, ये मोदी की समस्या है। अगर मेरी पार्टी के नहीं त्यागी जी के पार्टी के थे, अगर नेहरू जी की नीतियों पे इंदिरा नहर बनवाई गई होती, शारदा नहर बनवाई गई होती, तालाबों में पानी डिपोजिट किया गया होता, तमिलनाडु और बंगलोर में, सुन लीजिए, तमिलनाडु और बंगलोर में, अरे आपके काम आएगा। तमिलनाडु और बंगलुरु में नियम है कि नगर का हर घर में पानी जो वर्षा का आ रहा है उसे आपको वहीं डिपॉजिट करना होगा। तो आप ये शब्द मत कहा करिए कि भारत में जल संकट सरकार द्वारा प्रायोजित सरकार की विफलता से है। ऐसा है पांडे जी, सरकार की साथ जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी तो है कि हर काम सरकारी करेगी, पूरा हम सड़क ठीक रहे, जिम्मेदारी सरकार की है। अरे सरकार घर घर गाड़ियां लगाई है, बनिए भूदान आंदोलन करिए, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। सरकार से सवाल पूछने वाले अगर सरकार को बचाएंगे बात कर तो लोकतंत्र का क्या हाल होगा, हो क्या गया है जी। आप सवाल सरकार से, सवाल सरकार है, लेकिन आप सुनील त्रिपाठी जी सवाल करिए, खड़े कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप अपने भी दामन जाए पंजाब की स्थिति क्या है, जरा उसकी तुलना और पार्टियों से कीजिए। मैं भाजपा मानने कर रहा हूँ, वहाँ दिक्कत हम आपके बीच नहीं बोले,
लेकिन आप हमको नहीं बोलना चाह रहे हैं, मैं बोलता हूं आप बोलिए। सैयद मोहम्मद तकी पे बोल दीजिए भाई, बहुत देर से बहुत नाराज हो रहे हैं आपसे। हम से नाराज होंगे भाई? सैयद मोहम्मद तकी बोल, आम आदमी पार्टी बोल दीजिए। जनता ने विकल्प चुन लिया है, आम आदमी पार्टी को ला रही है, ना भाजपा ना सपा, आम आदमी पार्टी। सुनील भाई मुस्कुराइए मत, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है अभी। अरे तो अभी 13 तारीख को रिजल्ट भी आ रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी के सामने तो सामने आ जाएंगे जी, बोल लीजिए। अगर पांडे जी कहें तो मैं भी बात सहमत हूँ। अच्छा, कि इस चुनाव में लड़ाई में अगर कोई भाजपा टक्कर ले रहा है जी, तो समाजवादी पार्टी। चलिए धन्यवाद, चलिए ठीक, धन्यवाद, चलो प्रसन्न हो गए। कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी अपनी सुनिए भाई, कांग्रेस पार्टी पर आप विधानसभा चुनाव भी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये मेहनत है आपकी जी। सुनील भाई, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है इस समय कर्नाटक में बहुत बेहतर चल रही है, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए संतोषजनक है, कांग्रेस पार्टी के लिए। तो देखिए ऐसा है कि जी, बोलिए, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है जी, और वहां तो वास्तव में लड़ाई में कांग्रेस और भाजपा ही है जी। तो कर्नाटक के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोनों में अंतर है, क्योंकि अंतर है। आपने भी देखा कर्नाटक के चुनाव में जी, कांग्रेस के सारे पदाधिकारी जी अपनी पूरी ताकत झोंक दिए जी। लेकिन भाई मेरे बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर जी प्रचार में आया हो तो बताइए, हमको जानकारी ना हो। तो इसका मतलब हमको तो लग रहा था सारी ताकत कांग्रेस ने कर्नाटक में लगा दी और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को जी के इस चुनाव को भी दरकिनार कर दिया। अच्छा, क्योंकि गौरव जी पूरी मीडिया और राजनीतिक दल भी मानते हैं जी कि ये शहर की सरकार नहीं है, दिल्ली की सरकार बनने जा रही है जी। क्योंकि इस चुनाव का असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। रामनिवास भाई हो गया, रामनिवास भाई, शेरपुरिया और गिलेंट की लड़ाई हो जाएगी, इसका परिणाम ये होगा कि दोनों इंजन आपस में टकरा जाएंगे, यही होने जा रहा है। ठीक है रामनिवास भाई, समाजवादी पार्टी का अपना कहना है, सहमो तकी का अपना कहना है, अलग नीति लेके आ रहा है, आपने कुछ नहीं किया, आपने ना कुछ किया, ना आपने कूड़ा हटाया, ना तमाम काम किए। और अभिमन्यु आगे कहना है कि स्मार्ट सिटी की बात आप करते हैं, कहाँ स्मार्ट सिटी बना पाए हैं, केवल झूठे ढकों से बांधे जुमले। नहीं, अभी आम आदमी पार्टी के कह मित्र मेरे कह रहे थे कि सब लोग दिल्ली से तुलना करते हैं। अच्छा, एनजीटी लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है जी, जुर्माना लगाती है कि जो है गंगा की सब उसकी सारी सफाई नहीं हुई, यमुना की, और जो है लगातार कूड़े के ढेर पे केजरीवाल जी जाके फोटो खिंचवाते थे जी। तो आप 15 साल तक कूड़े ऐसे ही कूड़े भी पड़े हुए हैं। अच्छा, 15 साल अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम भविष्यवक्ता तो है नहीं, हम कोई जयस्वी तो है नहीं जी, लेकिन मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ जी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जी उत्तर प्रदेश में जीरो मिलेगा। लीजे, नोट कर लीजिए। अच्छा, आज ही नोट कर लीजिए। अच्छा, ये भविष्यवाणी मेरी है। लीजिए, और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी जीरो तो भारत में हो जाता जी। नहीं, मैंने कहा ना कि दोनों लोगों का जीरो, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दोनों लोग जीरो। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे कह रहे थे, मच्छरों से हम बहुत परेशान हैं, अभी बाबा जी हमारे बड़े बड़े मच्छरों निपटा रहे हैं, अभी छोटे पर नंबर आएगा। अच्छा, और अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कि भारत की रैंकिंग लगातार पूरी दुनिया में गिर रही है, तो हमको लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र पूरी जानकारी नहीं, अच्छी जानकारी नहीं, और बार बार कहते बेरोजगारी मुद्दा नहीं। भाई अगर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश जनता ने बेरोजगार बना दिया लीजिए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है भाई? अगर उत्तर प्रदेश की जनता लगातार अगर आपको बेरोजगार बना रही है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम तो जनता की सेवा के लिए लगे हैं, लगातार जनता के हम सेवा कर रहे हैं, जनता हमारे ऊपर मेहरबान है, आपको बेरोजगार कर रखी है, उसमें हमारा कोई दोष थोड़ी है। हमने तो जनता के लिए काम किया, हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया, और जनता हमको लगातार अपना प्यार दे रही है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता की पूरी पार्टी बेरोजगार है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। योगदान अगर है सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता का है, क्योंकि उनको इन्हें लूटने काम किया, उनको जो है परेशान करने काम किया। आज अगर जनता को मौका मिला,
तो समाजवादी पार्टी को 2012 से आज तक मौका नहीं दे रही। अगर ऐसे ही आचरण समाजवादी पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2027 क्या 32 तक भी उत्तर जनता को मौका नहीं देगी और समाजवादी पार्टी आगे समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के मित्र प्रवक्ता पांडे जी मेरे मित्र हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि जो भी बात रखिए जनता के हित के रखिए। अच्छा। अनर्गल जी और अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा कोई भला नहीं होने वाला। अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वो जानती है कि किसके साथ हमारा हित है। अच्छा, कांग्रेस अगर लगता है जी कि अगर जनता को लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ठीक ठाक चल रहा है, माफियाओं का सफाया हो रहा है, अवैध जो जमीनों, अगर आप मती अतीक अहमद को माफिया नहीं मानते हैं, मुख्तार अंसारी को आप माफिया नहीं मानते हैं, तो मैं आपको समय नहीं दे सकता हूँ। आपके पाले हुए लोग हैं, इसलिए आप उनको माफिया नहीं मानते। लेकिन ये दुर्दांत अपराधी हैं, दुर्दांत माफिया थे जिनके पे कार्रवाई होने से उत्तर प्रदेश की जनता आज खुश है। भतीजे सुशील सिंह, आज उत्तर प्रदेश जनता अगर योगी जी में विश्वास कर रही है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह है। और अगर समाजवादी पार्टी के पाले हुए अगर समाजवादी पार्टी के पाले हुए माफियाओं पे अगर बाबा जी कार्रवाई करते हैं तो उनके अपराधी नहीं मानते। अब इससे अगर पूछा जाए कि अतीक अहमद क्या है, मुख्तार अंसारी क्या है, ये अपराधी है कि नहीं, जयप्रकाश जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में आपसे आग्रह करता हूँ, हमको इतना बताइए अतीक अहमद मुख्तार अंसारी माफिया है कि नहीं। नहीं नहीं बताइए भाई, आपके तो आपके पाले हुए हैं, बात आपको बुरा लगेगी, आपके पाले हुए हैं, आपकी पार्टी नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पुलिस के रिकॉर्ड में वो अपराधी हैं, माफिया हैं, और बाबा जी ऐसे माफियाओं को छोड़ने वाले नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाबा जी छोड़ देंगे तो किसी माफिया से कहीं एक अपराध करके दिखाए, उसको चलेगा पता कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, किसी माफिया की हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश अपराध करके घूम सके। रामलाल भाई, ये आपने कांग्रेस पे बड़ा बोल दिया कि जीरो आएगा, ये कैसी बात। मैंने कहा कि जैसे भी कांग्रेस के मित्र मेरे कह रहे थे और आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम ज्योतिषी नहीं है, लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से कह सकता हूँ कि मैं ज्योतिषी हूँ और मैं ज्योतिषी तो नहीं कि दोनों के आगे एक जीरो मिलेगा, दो लगेगा, नोट कर लीजिए, ये तो जनता बताएगी, नोट कर लीजिए, आम आदमी पार्टी जीरो भारत में हो जाए, जीरो है, हमें नाज है, अगर हमारे हिस्से में शून्य आएगा तो उसके आगे चार लगा देंगे। अब उन्होंने क्या जवाब दे रहे, अब उन्होंने क्या जवाब दीजिए, उन्होंने क्या की से लेके जनसंघ तक जीरो जीरो का अगर रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा है। देखिए गौरव जी, जनता पार्टी जनसंघ परिणाम में रिकॉर्ड तोड़ा जी, अब ये चुप होंगे तो हम बात रख पाएंगे। बोले 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 बोले। देखिए गौरव जी, जो हाउस टैक्स 5% के हिसाब से बढ़ता था, इन लोगों ने सर्वे करा के 10% के हिसाब से ये लोगों से टैक्स वसूलने लगे, वाटर टैक्स बढ़ा रहे हैं ये लोग लगातार। इन्होंने सरकारी कर्मचारियों से 32,000 करोड़ रुपए डीए के नाम कर सरकार ने रख लिया जी। और रेवेन्यू के मामले में जीएसटी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी 40-50 हजार करोड़ का आ रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन में भी बहुत आगे आगे मामला बढ़ रहा है, उसके बावजूद टैक्स की बढ़ा रहे हैं ये लोग, सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, 35% से ज्यादा एनक्रोचमेंट सारे नगर निगमों में हो चुका है, सारी सड़कों पर कब्जा हो चुका है, ये खुद सरकार ने अपने अपने सर्वे कराए, उस सर्वे में सब आ चुका, लेकिन क्योंकि पूरा प्रशासन और शासन भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनको शह दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। अच्छा। और 30% तक की कमीशन खोरी के इन पे आरोप है, खुद नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, विधानसभा तक में सवाल उठा है, आगरा के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ऑन रिटर्न नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का घूसखोरी का आरोप लगाया, लेकिन ये कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। कानपुर में भी ऐसी घटना हुई, अच्छा। मेरठ में भी ऐसी घटना हुई, 17 के 17 नगर निगमों में भ्रष्टाचार की बातें हो रही है, अच्छा। लेकिन ये कभी भी उस पर ना तो ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना पुलिस, कोई सी भी एजेंसी से ये कभी जांच नहीं कराएंगे। और देखिए जो जो इन्होंने वादे किए वो वादे कहीं पूरे नहीं हो पाए, स्मार्ट सिटी जो योजना थी वो फ्लॉप हो गई है जी। ये कह रहे कूड़ा उठाएंगे, कूड़ा नहीं उठ रहा है, ये साफ सफाई की व्यवस्था नहीं करा पाते हैं, मच्छर का प्रकोप जो हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अंदर में जो स्कूल और अस्पताल आते हैं उनका ढर्रा साफ सफाई का हो चाहे मेंटेनेंस का, वो बिगड़ रहा है,
उसके अंडर में आने वाले जो गौशाला है ये 30 रुपए प्रति गौ के नाम के देते हैं, 30 रुपए में कोई गौ सेवक भी सेवा नहीं कर पाएगा, ये सब लोग जानते हैं 30 रुपए रोज के हिसाब से जी। तो वो गौ वंश खुद परेशान है, आमजन चारों ओर परेशान है, तो चारों ओर से इनकी बातें झूठ है, ठगी करके इन लोगों ने जनता को गुमराह किया है। अच्छा। अब जनता ने इन लोगों को सबक सिखा दिया, 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। सही है मोहम्मद तकी, कुछ बोल रहे थे आप। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जीरो आ रहा है आपका, रामनाथ भाई बोले हैं, जीरो तो सबसे ताकतवर है। अच्छा। और गिनती जीरो से शुरू होती है। अच्छा। और जीरो अगर मेरे पास आ जाएगा तो हम उसके आगे एक दो लगा देंगे, 10 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे। अच्छा। तो 5 लगा देंगे, 50 भी हो जाएंगे। अच्छा। और अगर 10 लगा दें 100 भी हो जाएंगे। अच्छा। भाई तो जीरो तो ताकतवर है, ये 50 में 100, आप तो योगी जी वाली बात कर रहे हो, 56। नहीं नहीं, वो ये काम भाजपा के लिए छोड़ दीजिए, वो ऐसे मेयर की सीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभासद हूँ, सारी सीटों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो तो जिसके पास जीरो आ गया वो सबसे ताकतवर हो गया। अच्छा। तो इनका धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमें जीरो दे दिया। अच्छा। दूसरी बात ये है कि सत्ता पक्ष यदि अगर अरे जीरो आकलन दे रहे हैं भैया, वो जीरो आपको नंबर थोड़ी दे रहा है, आकलन दे रहा है। इनके जीरो एक भी सीट नहीं आ रही है, जीरो दिया कह रहे हैं विधानसभा में कुछ नहीं आते, यहाँ कुछ नहीं आएगा, जीरो दिया उसके आगे 2 लगाना 3 लगाना ये हमारा काम है। अच्छा। वो हम बखूबी जानते हैं, हम करेंगे। अच्छा। हमने पंजाब में भी किया है, दिल्ली में भी किया है, आपका काम है कि जनता का काम है, जीरो कह रहे थे वहां भी आपका काम है कि जनता का काम है, जो ये आम आदमी पर लड़ाई जनता दिलाएगी, जनता जवाब देगी इनको। अच्छा, जनता जवाब देगी। दूसरी बात है अभिमान, देखिए रावण को भी बड़ा घमंड था, लेकिन वक्त ने उसके घमंड को तोड़ा। अच्छा। उसको भी सत्ता का बड़ा घमंड था। अच्छा। वो नहीं माना, आपने देखा है हमारे भारत के अंदर ऐसी बहुत सारे प्राचीन कहानियां हैं जिसमें से जिन लोग घमंड हुआ उनका क्या हाल हुआ है। अच्छा। दूसरी बात यह कि अगर सत्ता पक्ष गलत काम कर पा रहा है और वो सही से काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष को भी आवाज उठाने की जिम्मेदारी है। अच्छा। कि सत्ता पक्ष कैसे काम कर पा रहा है। अच्छा। विपक्ष ने क्यों नहीं रोका, क्या जतन किया उसको रोकने के लिए, आप अपने भी ले जा रहे हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, आप विपक्ष किसको मानते हैं, अपना विपक्ष नहीं मानते क्या? चुनाव के स्तर पे अगर बात करें, भारत में पूरे हो गया है, आपके साथ भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, भाजपा कहीं नहीं थी। ये देश की जनता 2014 के बाद दुध्रुवी चुनाव लड़ती है। अच्छा। भाजपा के बरक्स एक ध्रुवीकरण होता जो भी उस प्रदेश में हो। अच्छा। या राष्ट्रीय चुनाव हो, तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मतलब व्यवहारिक स्तर पे क्या, स्वाभाविक सी बात है भाजपा के बरक्स सपा के पास लोग जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि भाजपा, अरे विपक्ष में आप तो आते थे, सक्रियता का ही कारण है कि इनको माफियाओं की लिस्ट जारी करनी पड़ी, अपने दुलारे लोगों का, सजातीय लोगों का, और यह विपक्ष ही है जो एक दिन इन सारे सजातियों को, सुन लीजिए, अगर मुख्तार जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक दिन इनके सारे सजातियों को सलाह की। महत्वपूर्ण सवाल मेरे सामने आ गया है, दूसरी चीज और एक बड़ी महत्व, देखो भाई एक सवाल नहीं, नहीं गौरव भाई, तकी भाई बोल रहा है विपक्ष नहीं, तो ये क्या सत्ता, ये सत्ता पक्ष के साथ है क्या? ये बात बढ़िया है, बड़ा सवाल मेरे सामने, ये बड़ा सवाल है, नहीं ये बड़ा सवाल है, ये विपक्ष आप बोल रहे हो, आप भी विपक्ष में हो, जवाब मैं भी कह रहा हूं, मैंने तो अपने साथ सवाल किया था। हाँ। कि विपक्ष को हम लोग नहीं, नहीं ये गलत नहीं है, गुजरात सहित कई जगह ये भाजपा की बी टीम बन के किससे लड़ने गए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस को उस समय ये युद्धरत कांग्रेस जो गुजरात में नेट नेट लड़ रही थी, इनकी भूमिका क्या थी, ये जाने अनजाने में भाजपा की बी टीम बनते हैं, कह रहे थे कि इंडिया दिल्ली में भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं, ये छिपा नहीं किसी। अच्छा लीजिए चाचा, वो पार्टी वैसे कि वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी खिलाफ वो ये, दिल्ली के सीएम भी बैठ सकते थे, ये भी चुनाव में बजरंग बली के शरण में जाते हैं भाजपा के, माफिया खत्म किया, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा कि एक माफिया को दूसरा माफिया बर्दाश्त नहीं होता, एक अपराधी को दूसरा अपराधी बर्दाश्त नहीं होता, और जिस तरह से यहाँ पे कांड हुए हैं वो साफ दिखता है कि आपराधिक मानसिकता से कार्य किए गए। अच्छा। अगर वो व्यक्ति अपराधी था तो उसको न्याय संगत तरीके से फांसी हो जाती। अच्छा। मैं उसका स्वागत करता,
क्योंकि वो भारत का नागरिक है और भारत के नागरिक होने के नाते उसको अधिकार 40 साल तक जो है सजा नहीं हो पाई उसको, उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं लग पाई। जितने भी प्रकरण हुए 40 साल बीत गए, आप देखिए 10-10 जजों ने जो है मुकदमे से हट गए। ऐसे अपराधी के खिलाफ कोई गवाही दे सकता है? अच्छा, अगर कोई गवाही देगा उसकी हत्या हो जाएगी, तो कौन गवाही देगा भाई? जज डर रहे, पुलिस डर रही, पब्लिक डर रही। अभी भी पूरी जब योगी जी की सरकार आई तब जनता खुल के आई। कई बच्चों के साथ रेप हो रहा है, कई थाने में रेप हो रहा है। तकी भाई पुलिस वाले तकी भाई थाने के पास निकाय चुनाव पर बहस निकाय चुनाव बहस है। तकी भाई मेरा कहना यह है, बीजेपी प्रवक्ता आपको साफ तौर पर नकार रहे हैं और आप विपक्ष को अपने आप को न साबित कर रहे हैं। बोले विपक्ष की बात, आप समाजवादी पार्टी को टैग कर रहे हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी इस समय मुख्य विपक्ष में है और जनता भी जानती है और सबको ये आधार पता है कि मुख्य लड़ाई सपा भाजपा के बीच में है। पर आप यहाँ पर बता रहे हैं कि हम इस बार भी यहाँ पर कुछ अलग चौंकाने वाले परिणाम ला रहे हैं, तो यहाँ आपको भी अपने आप को विपक्ष मानना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको रामनिवास भाई की बात का ये जवाब देना है कि जो आपको जीरो से कैटेगरी से आप तुलना कर रहे हैं कि जीरो आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी ऐसा क्या कुछ करने वाली है भविष्य में यहाँ अगर जनता मौका देती है? देखिए, पिछले बार निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को जीरो नहीं मिला था। आम आदमी पार्टी जीत के आई थी, मुझे पता है, सीटें आई थी, पता है 60-70 सीटें आई थी। तो रामनिवास यादव जी जो कहें अपने आप को, वो 100 में 100 नंबर दे दें, अच्छा, तो दूसरे को जीरो दे दें, हाँ, तो वो कह सकते हैं भाई, उनका कहने का अधिकार कहे वो, अच्छा, तो उनके कहने से क्या होता? अगर किसी के कहने से कुछ हो जाता होता, अगर के कहने से होता तो इनके कहने से आया होता तो दिल्ली में ये न हारते। दिल्ली में कह रहे थे पूर्व बहुमत में आ रहे, दिल्ली में कहने का एमसीडी में हम सरकार हमारी बने, मेयर हमारे बनेगा, जबकि ये सीटें नहीं थी। तो कहने से क्या हो गया उनके? इन्होंने कहा गुजरात में आम आदमी पार्टी को जीरो सीटें मिलेंगी। गुजरात में जो समीकरण जो इलेक्शन था वो बाइप लग रहा था बीजेपी आम आदमी पार्टी में, वहां 5 सीटें थे। वहां से नेशनल पार्टी जीतने की स्थिति, 5 सीटें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का 100 गुना ज्यादा आपको मिला लीजिए। तो भाई रामनिवास जी के देखिये आसानों तले कुछ बात मान लिया गया। गुजरात में मीडिया जो गोदी मीडिया है, जिस तरह से आम आदमी बरस वही आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल में चुनाव लड़ी। अरे हमें तो लगता है गोदी मीडिया 13 को चुनाव, आम आदमी पार्टी कर्नाटक में लड़ रही चुनाव, वहां कह रहे वहां कांग्रेस जीत रही है। और इससे पहले मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ी थी, वहां कांग्रेस जीती थी। और इससे पहले राजस्थान में आम आदमी पार्टी लड़ी थी, वहां कांग्रेस जीती थी। तो हम तो बहुत जगह लड़े जहां कांग्रेस जीती है। तो ये आप लोगों का अपना अपना कहानियां है और ये कहानियां बनाने में आप एक्सपर्ट है, लेकिन जनता को कहानियां नहीं पसंद है। उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए, उसको चाहिए बढ़ रही है, योगी जी जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव में जाते हैं तो स्थानीय मुद्दों पर बहस नहीं करते, चूंकि इनका दशकों से कब्जा रहा महानगर पालिका स्तर जी जी। तो वहाँ कूड़ा उठाने, सीवर सफाई, स्वच्छ मतलब पेयजल की बात वो कर ही नहीं सकते, जाम चूंकि वो तो उड़न खटोलवा से चलते हैं तो जाम कभी देखते नहीं, ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर का ये बड़ा ढोल पीटते हैं, हाँ, आपको याद दिला देंगे उत्तर प्रदेश के इसी लखनऊ में जहाँ सबमिट हुआ था जी, वहां से जो है 400 लाइटें सरे, अमित शाह जी आए थे जब, तो कहे थे कि यहाँ हमारी बहन बेटियां रात के अंधेरे में गहना पहन के निकल सकती हैं। ये दरअसल शेर शाह के लाइन आर्डर पे अब्बास खान सारवानी का बड़ा ऐतिहासिक कथन है, उसी को वो हिंदी में कह रहे थे। अच्छा, अब आलम यह है कि यहाँ दिन को जी सरे आम जो है, और ये FIR है PGI थाने में वृंदावन में जी, जो है आराम से सुनिए, 200 सब समाजवादी पार्टी का करता। अरे ठीक है, समाजवादी पार्टी का अच्छा भी अरेस्ट नहीं हुआ, सुनिए 200। और फिर नगर निगम ने जो आंकड़ा दिया कि हर साल जब से इनकी सरकार है 2000 लाइटें जो 12 से 15 लाख की कीमत की आती हैं भाजपा के संरक्षण वाले उतार लेते हैं और आज तक एक काम नहीं हुआ। तो जिस मतलब लाइन आर्डर का आलम यह है कि जब लाइटें उतार ली जा रहे हैं, जिसके सौंदर्यीकरण का ये पूरा ढिढोरा पीटते हैं कि हमारी इन्वेस्टर समिट आएगी, कानून व्यवस्था जिस अतीक अहमद की बात हो रही थी निश्चित रूप से वो अपराधी था, उसमें संदेह नहीं है जी। लेकिन आप सोचिए कि जेल में रहते हुए उमेश पाल की हत्या, फिर दो पुलिस वाले मारे गए, संचालित हुआ जेल हमारे हमारी सरकार नहीं ना उत्तर प्रदेश में ना गुजरात में, फिर उसके बाद 3 शूटर जो मारे वो भी इनकाउंटर नहीं था। आप सोचिए कि कितना केनेडी की तरह का रहस्य मना के, वो भी आपकी विफलता ही है। अभी चुनाव में देखिए गौरीगंज से जो वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब इनके 20-20 मुकदमा वाले गुंडों को टिकट दिए और वो आदमी थाने में एक विधायक बेचारा अनशन कर रहा, उसको गाली दे रहा
तो ये है कि इस तरह, और अभी वहां उरई में हत्या हो गई सिपाही की, तो लॉ एंड ऑर्डर पे जिसकी ये बात करते हैं, एनसीआरबी के भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए, पहले तो पुलिस को माफिया बना दिया, पुलिस वसूली करती थी, इंद्रकांत त्रिपाठी की वसूली हुई, विवेक तिवारी की हत्या हुई, पंकज मतलब गुप्ता की गोरखपुर में हत्या हुई, फिर अब यह है कि पुलिस को यही निपटाने लगे, सुबोध कुमार सिंह की हत्या इन्होंने करी, और अब यह है कि देखिए उरई में एक हत्या हो गई, तो जय श्री राम का नाम लीजिए, पुलिस को कानपुर में दोहा व्यापारी की हत्या कर दी गोली मार के, अभिनेता की साल की बच्ची, अभिनेता की आखिरी कमेंट हो गया, अभिनेता की आखिरी कमेंट, गोली मार दी थाने के पास, ठीक है भाई मैं करूंगा, अभिनेता की आखिरी कमेंट, 13 मई को देखिए गौरव जी, 13 मई को पढ़ना गौरव जी, सारी डिबेट में हमारे भाजपा के साथी ये नहीं बता पाए कि इन्होंने 5 वर्ष स्मार्ट सिटी में क्या क्या काम किए, ये अभी तक नहीं बता पाए, अच्छा, और ना ही इनके मुख्यमंत्री साहब बता पाए, अच्छा, ना ही मंत्री जी बता पाए हैं, तो ये सरकार फ्लोप है, इनकी नीतियां फ्लोप है, नगर निगमों में इन्होंने कहीं कुछ काम नहीं किया है, सब लोगों के सामने आ चुका है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर ये भावनात्मक मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं कि सबक सिखा देंगे, भूस भर देंगे, ठंडी गर्म कर देंगे, लेकिन जनता की जो असल मुद्दा है वह रोजगार का, उस रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में ये कभी बात नहीं करेंगे, ये जो जनता को जो सुविधा देनी है उनसे जो टैक्स लेते हैं उसके बदले में जो सुविधा देनी है उसके बाद उसके लिए कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो पैसा आता है वो अडानी को इन लोगों को दे देना, उसके बारे में चर्चा ये नहीं करेंगे, पर जनता अब जाग चुकी है, जनता इनको सबक निश्चित तौर पर सिखाने जा रहा है, ठीक है ठीक है, प्रवक्ता आप सहमत हो, आखिरी कमेंट, देखिए जनता जो है वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में विकल्प तलाश रही है, अच्छा, वो चाहती है ऐसे लोग आए जो मुखरता के साथ उनके बातों को रखे और जनता के लिए सड़क पर संघर्ष के लड़े, पुलिस से लड़े, अपराधियों से लड़े, अच्छा, उनको एक्सपोज कर जनता को इंसाफ दिलाए, क्योंकि जनता चाहती है कि अगर सत्ता पक्ष गलत कर रही है तो फिर विपक्ष कहाँ है, वो क्यों नहीं लड़ रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं आवाज उठा रहा है, कैसे अगर मजबूत विपक्ष के होते हुए सत्ता पक्ष ऐसी कर पा रहा है, समझ में आती है, विपक्ष आप अपने आप को नहीं मानते हैं क्या, मैं फिर वही क्वेश्चन मेरा, वही तो कह रहा हूँ, विपक्ष पे उंगली उठा रहे हैं, हम अपने आप पे कह रहे हैं, बोलिए हाँ, हम कह रहे हैं हमें बेखुटता से बोलना चाहिए जी, इतना आप बोल रहे थे कि तकरीर करते करते दर्शन शास्त्र में चले जा रहे हैं, खुद से ही संबोधन कर रहे हैं, और आगे यूपी में आम आदमी पार्टी हाँ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्यों आप बार बार जयप्रकाश पांडे से उम्मीद करते हैं, आप भी विपक्ष में जी, और इनके लगाम कसनी था कि सत्ता पहुंच बच क्या होता है, सत्ता पहुंच घोड़ा है, ठीक है, बस लगाम है, चलिए ठीक, घोड़े को साधता कि सही रास्ते में चलो, चलिए घोड़ा तो अहंकार में चूर हो जाएगा, फिर आम आदमी पार्टी विपक्ष को लगाम लगाने का प्रयास करेगी, ठीक, खुद विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष में, सत्ता पक्ष में दोनों को, चलिए लीजिए मुख्य विपक्ष को लगाम, जब कहो भाई कुछ आपके राय भी दे दीजिए आखिरी कमेंट, देखिए ये चुनाव निश्चित रूप से तीसरी सरकार का है, लेकिन जो हालात है देश की डेमोक्रेसी, जिस तरह लोकतांत्रिक संस्थाएं और व्यक्ति की आजादी कुचली जा रही है, तो पूरे देश में चाहे दिल्ली नगर निगम के बाद देखिए शिमला में चुनाव हुआ, कर्नाटक में जिस तरह के बयार है, तो निश्चित रूप से इसमें शहर के जागरूक लोग लोकतंत्र बचाने के लिए वोट दे रहे हैं, आधी आबादी अपनी इज्जत बचाने के लिए देगी, दलित पिछड़ों के साथ जो जिस तरह से आरक्षण खत्म किया जा रहा है उदारीकरण के नाम पे, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, तो सब लोग एकजुट हैं, और भाजपा के बरक्स निश्चित रूप से अंतिम लड़ाई लड़ रही है देश की जनता, और ये अगर भाजपा जीत गई तो ये मान लीजिए कि आरएसएस के सपने साकार होंगे, और उसके बारे में बाबा साहब कंफ्यूज नहीं थे जो संविधान निर्माता थे कि अगर हिंदूवादी ताकतें सत्ता में आई तो दलित पिछड़े और लोकतांत्रिक मूल्य खत्म हो जाएं, ठीक है, रामनाथ भाई आखिरी कमेंट, गौरव जी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, अच्छा, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी विकल्प बनने का प्रयास कर रहा है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता 2014 से जी कांग्रेस तो खत्म हो गए, उसका नाम ही लेना बेकार है, नहीं मन बोला करिए, आम आदमी पार्टी का वही हाल है जी, समाजवादी पार्टी क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे माफिया समाजवादी पार्टी के साथ हो गए हैं, अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा उनको लहर चल रही है पांडे जी, लेकिन निश्चित रूप से बना उत्तर प्रदेश की जनता जानती है सबसे ज्यादा दागी विधायक की सरकार आएगी तो गुंडा माफिया अधिकारियों पे जमीनों पर कब्जा करेंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, अरे 2014 से मंत्री लगातार समाजवादी पार्टी को मौका नहीं दे रही है,
और ना ही मौका आगे देने वाली है। सुनील भाई, और सभी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगे। ठीक है सुनील भाई, आखिरी कमेंट आपका। गौरव जी जी, सबसे पहले तकी भाई धन्यवाद देना चाह रहे हैं। अच्छा, उनको जीरो मिला है। अच्छा, जीरो मिला है, लेकिन जीरो जिसके साथ रहता है जी उसकी हजार गुना ताकत बढ़ा देता है। जी जी, इसका मतलब तकी जी भविष्य के लिए जी जिसके साथ रहेंगे उसकी ताकतवर ताकत बनेंगे। किसकी ताकत बढ़ा रहे हैं? इनका वर्तमान किसकी ताकत बढ़ा रहे हैं? भविष्य तो सुनील भाई, अब जिसके साथ रहे, जीरो दिया है आप लोगों ने, तो जीरो जिसके साथ लगता है ताकत उसकी बढ़ जाती है। अच्छा, दस एक साल लगता है 10 गुना होता है। अच्छा, 10 के साल लगता है तो 100 जाता है। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के जीरो की ताकत तो एक से ज्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, वो तो रामविलास जी ने दिया है जी, तो वो अलग बात। दूसरी बात, मैं अपने भाई जेपी पांडे से कहना चाह रहा हूँ कि बार बार मोदी मीडिया कह के गोदी मीडिया हम लोगों के दर्द पे, अरे आप उस श्रेणी में अपने को मानते हैं क्या? अभी मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग अच्छा भी है, पूरे रवीश कुमार हो, पूर्ण प्रसिद्ध वाजपेयी हो, अभिषार शर्मा हो, साक्षी जोशी हो, ये लोग अपना करियर बर्बाद करके लड़ रहे हैं। आप अगर ये चाह रहे हैं कि आप गोदी मीडिया, आप कहां से गोदी मीडिया में आ गए? मेन स्ट्रीम के जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है वो गोदी मीडिया में, अगर आप चेतना के स्तर पे है तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि आप उस श्रेणी में जिसे जनता हिकारत से देखती है, अगर चैनल से निकल के अंजना उपकर्षक श्वेता सिंह चले जाए और वो गोस्वामी, तो जनता हूटिंग करती है। मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, न्यायालय ने कहा है, न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चैनल नफरत फैला रहे हैं, वो नफरती चैनलों को जनता सड़क पर हल्ला दे रही है। आप उस तरह की बात कैसे कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा बड़ी स्वस्थ हुई, हालांकि चर्चा के बीच में कानून व्यवस्था भी आई, गोदी मीडिया की बात भी आई, बातें भी आई, व्यवहार भी आया, और सबसे बड़ी बात है आज की डिबेट में रैंकिंग भी दे दी गई, यानी कि 13 मई को परिणाम आएंगे पर परिणाम आज पहले ही दे दिए गए। किसी ने 17 सीटें मेयर सीट जीतने के यहाँ वादा किया है, तो कोई बता रहा था यहाँ पर कि किसको जीरो मिलने वाला है। खैर, 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा जीरो किसको मिलता है और यहाँ पर आंकड़े कौन ज़्यादा जीतता है, बाजी किसके सर बनेगी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि चुनाव कोई भी हो पर संघर्ष बहुत जरूरी है। सभी कहते हैं मेहनत करिए और उसका परिणाम पाइए, तो जो मेहनत करेगा वो इस पूरे चुनाव में अपने आप को साबित करेगा और जीत कराएगा, क्योंकि चुनाव राजनीतिक पार्टी का नहीं है बल्कि चुनाव गली का है, चुनाव शहर का है, चुनाव मोहल्ले का है, और मोहल्ले चुनाव में वही जीतता है जिसकी छवि महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इतिहास भी बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं, बस जरूरत केवल जज्बे की है, संघर्ष की है और धरातल पर लड़ने की है। चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए, परंपरा चलती है अथवा बदलती है वो देखने वाली बात होगी। हम जैसे खबरनबीज की जिम्मेदारी है जो सत्यता है वो उठाते रहेंगे और परिणाम आपके सामने लाते रहेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।